हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, ये वीडियो दुलकर सलमान सर की ड्राइंग का पार्ट टू है। एंड गाइज, इससे पहले हमने पार्ट वन में ग्रिड मेथड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो गाइज, इस वीडियो में हम कम्प्लीट पार्ट में शेडिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलो गाइज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो पार्ट वन में आउटलाइन को ड्रॉ किया था वो थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो मैं पहले उसे सिंपली नीटेड इरेजर का यूज करके हल्की हल्की सी रेज कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, मैं इस ड्राइंग को हेयर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइज, मैं हेयर को ड्रॉ करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके रिफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, रिफरेंस फोटो में जहाँ पर भी मुझे एकदम से ज्यादा डार्क हेयर दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर थोड़ा प्रेशर देकर शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, जहाँ पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है, मैं उस जगह को छोड़कर ही शेड कर रहा हूँ। गाइज, अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप आर्ट लाइन की 8B एंड 10B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट हेयर में शेड कर लिया है। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर में ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी मुझे एकदम से ज्यादा डार्क हेयर दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके दोबारा से शेड कर रहा हूँ। तो गाइज, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके दोबारा से भी मैंने कंप्लीट हेयर में शेड कर लिया है। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके इसे भी पहले की तरह ही ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर लेने के बाद गाइज, अब रेफरेंस फोटो के हेयर में जो भी हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, आई को ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस फोटो की आई में जो भी एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज हैं, मैं सिंपली वहां पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूं। एंड गाइज, आई के ऊपर और नीचे के साइड में मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली शेड कर रहा हूं। कंप्लीट सेटिंग कर लेने के बाद गाइज, अब सिंपली मैं ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। इसके बाद गाइज, आई में जहां पर भी डार्क एरियाज है, मैं सिंपली वहां पर 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके इसे भी ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, मैं दूसरी आई को भी ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल वैसे ही शेड कर रहा हूँ। जहाँ पर भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, बाकी सभी एरियाज में मैं बिल्कुल पहले की तरह ही मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके शेड करके ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, आई में जो भी डार्क एरियाज है, मैं सिंपली वहाँ पर 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके इसे भी वैसे ही ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइज, फोरहेड को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली शेड करके मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर लूंगा। इसके बाद गाइज, जो भी फोरहेड में डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके इसे भी वैसे ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर लूंगा। इसके बाद गाइज, मैं नोज को ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस फोटो में जो भी नोज में डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर पहले 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूं। एंड गाइज, नोज के बाकी सभी एरियाज में मैं बिल्कुल पहले की तरह ही मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके शेड करके मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूं। इसके बाद गाइज, मैं कंप्लीट फेस में शेड करने के लिए रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। HB ग्रेड की पेंसिल से मैंने कंप्लीट फेस में शेड कर लिया है। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली इसे मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर ले रहा हूँ। गाइज, इसके बाद फेस में जो भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, लिप्स को ड्रॉ करने के लिए लिप्स में जो भी डार्क एरियाज है, मैं पहले वहां पर 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, बाकी सभी एरियाज में मैं बिल्कुल पहले की तरह ही मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, बियर्ड एंड मोस्टैचे को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर ले रहा हूँ।
इसके बाद गाइज बियर्ड एंड मुस्टैचे में जो भी हाईलाइट वाले पार्ट हैं, मैं सिंपली वहां पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। कंप्लीट शेडिंग कर लेने के बाद गाइज अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज रेफरेंस फोटो में जो भी हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर नीडेड इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ।